cigarette smoking and alcohol consumption are injurious to health. शहर में आवारा कुत्तों की कसरत से अवाम परेशान। कुत्तों की नसबंदी का अवाम ने किया हुकूमत से मुतालबा, लेकिन हुकूमत की मानी खैज खामोशी पर अवाम हैरान। क्या बोलना जी, नजमा की बेटी को इतना अच्छा रिश्ता लगा के दे रही थी, मगर सबरिश नहीं है उन लोगों को, उठा के दे दिए उजाड़ मुँह के पोटे को। छोड़ो इन बातों में मत जाओ। या अल्लाह, जिना ये पोटी घर को जला के मंडवा डालेगी। अरे क्या हुआ, क्या किया तूने? क्या करिए ये? मेरे 10,000 का ताशखान जला दिया पोटी, क्या करी, मट्टी पड़ो तेरे पर। अरे गोली मारो ये ताशखान को। मेरा ये 15,000 का जर्मन याश्रे कितनी मुश्किल से मंगाया था मैंने इसे। आपको 10,000 का ताशखान और 15,000 के आश्रय की फिक्र है? आपकी बेटी जो मरते मरते बची है उसकी कोई फिक्र नहीं है, फुकट कमाल है ना हम। मैं तो कहती हूँ इस सरफिरी को उस जाहिल गुंडे के सर ही बांध दो। यहाँ अमजद के लिए दिन रात दिल जल रहा, उसकी किसी की फिक्र नहीं है। बेटा उसका तो कल मैं जेल की चार दीवारी के पीछे देख रहा हूँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद उसे गोली मार दूंगा। बस कोई तुम दोनों की जिम्मेदारी उठाने वाला मुझे मिल जाए। अरे बस, बस ये कल 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 बंद करो। अरे कैसी बददिमाग लड़की है भाई ये, चलो बेगम। ये किराक पट्टी थी हमारी किस्मतों को। जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। हाँ क्या अंकल, बेटा अजमेर शरीफ से पैदल चल के आ रहा, उसके स्वागत क्या से इतने छोटे फूला लाते जी। ये भी खरीद के लेके आए, कचरा कुंडी से उठा के लेके आए, दीवाने बात कर रहा। अरे मियाँ बासी रोटी में अपने कुत्ते को नहीं डालता, अपने बेटे को मैं बासी फूला पिलाऊंगा, दीवाने बात कर रहा क्या? अगर मैं मोटा हार लेके आके बेटे को डाला, उतनी दूर से बेचारा पैदल चलते हुए आ रहा, अगर मोटे हार के वजन से नीचे गिर के बेहोश हो गया,
तो कौन जिम्मेदार मियाँ? ये ऐसे दिख रहे हैं दूल्हे के बासी आरा कचरे कुंडी में फेंक देते नहीं वैसे दिख रहे हैं। दीवाना होगा इन्हें। चल खामोश बैठ, इफ्लास कम बखत कहाँ का क्या बोलेंगे भाई। तेरे जैसा यार कहाँ, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। संतोष भाई, संतोष भाई आपको पता है भैया के फ्लैट की टाइमिंग क्या है और वो कब आ रहे हैं? अरे बसरे दादा रखो, भर क्या करता इसको मैं भर। अमजद खान तुम्हारी बेल हो गई। उस्ताद बेल हो गई। उस्ताद कोई बड़ा हाथ मारे तो जेल के साथियों को नको भूलो। उस्ताद उस्ताद बाहर जाके सट्टे का नंबर लगाए तो मेरे को नको भूलो। उस्ताद बाहर जाके 100-200 बीड़ी के कट्टे भेजो। हम चोर उचक्के आपस में जैसा एक दूसरे का ख्याल रखते, काश सोसाइटी के शरीफ लोग भी आपस में एक दूसरे का इसी ख्याल रखते तो हम जैसे मुजरिमा पैदा ही नहीं होते थे। चलता हूँ छोटे। राइट उस्ताद, मेरी बेल का भी करो उस्ताद। करूंगा करूंगा, टेंशन न खोले। चलो रे लग जाओ। सलाम साहब। अमजद खान, ये चोरी चकारी की जिंदगी छोड़ के एक अच्छे शहरी की जिंदगी जियो ना। ठीक है साहब, छोड़ देता हूँ, मगर जीने के वास्ते पैसा होना और पैसे के वास्ते अच्छा धंधा या अच्छी नौकरी होना, अच्छी नौकरी के वास्ते पढ़ाई होना और अच्छी पढ़ाई के वास्ते फिर पैसा होना, पैसा कमाने के वास्ते भी पैसा होना साहब, ये सब पैसे का चक्कर है। इस वास्ते पैसा गोल है और इस गोल पैसे के अतराफ हम सब चक्कर लगा रहे। आप लीगल तरीके से, अपन इलीगल तरीके से। अगर आप चाह रहे साहब मैं भी आपकी तरह लीगल तरीके से जिंदगी गुजारूं तो एक पुलिस की नौकरी दिला दो ना सर। तुम लोगों को नसीहत करना भी मुश्किल है क्या? पुलिस की नौकरी मैं जेब में रख लेंगे फिर तो निकालते ही दे देने के वास्ते। अरे जेब से याद आया, इतने दिनों के बाद घर जा रहा हूँ, कुछ रुपए दो ना साहब, कुछ फल मिठाई लेके जाता हूँ। इससे पहले भी तो कुछ लिया था शायद ना? अरे क्या साहब, जेल को आते ही दे दिया ना, 1600 के 1000 दिया ना साहब। हाँ हाँ याद आया, ठीक है अब बोल कितने होना। वही 1600 देव साहब, नेक्स्ट ट्रिप में 1000 दे दूंगा। फिर 1600 रुपए, अच्छी बात है, ये ले। थैंक यू साहब, लव यू। याद से देना पक्का साहब, व्हाट्सएप पे टच में रहेंगे। जेलर साहब 1600 ज्यादा होते, 1000 रुपए कम होते, 1600 देके 1000 कैसा लेते साहब? अरे वो फुट्टी खबर के खुले फूल, ये बात पहले कहीं क्यों नहीं बता रहे तू? साहब आप ही बोले थे ना साहब, जब दो बड़े बात करे तो बीच में नोट ना बोल के। अच्छा करा हाँ, दो बड़े बात करते, उन चोर मैं जेलर दोनों एक जैसे कैसा हुए रे? आओ मिया आओ। अरे मिया आ गया मेरा शेर। क्या तो भी आ रही है, फूलों के हारों से इस्तकबाल हो रहा, बैंड बाजे से इस्तकबाल हो रहा, क्या तू भी बोला रहे तू? दरगाह से आ रहे बोल के इस्तकबाल हो रहा। दरगो मुबारक मुबारक बड़े भाई। हाँ मुबारक,
आप ऐसा जेल से बाहर निकलते कि अरे अपना भी बेलाड़ा रहा, पुलिस वाले अपन को भी छोड़ दिए। इन्हें जेल से आ रहा ये जीजू तुम्हारा शेर, अजी 40-40 रुपए के तो हारा वेस्ट हो गए। थू चलो जी चलो चलो भाई चलो, 40 रुपए में पैदल आ रहा है। वाह बेटा वाह, मैं भी जब दरगाह से वापिस आता था तो चेहरा मेरा नूर से मुनव्वर हो जाता था, चमकता था, और तेरा चेहरा देख लोगा मुंह पे थूके जैसा हो गया है। तू दरगाह से आ रहा बोल के जेल से आता रे? वो पैदल दरगाह से आ रहे, ये दरगाह का नाम बदनाम कर दिया मेरा, कहीं गाने रखा तू, महल्ले में मुंह बताने के काबिल नहीं रहा मैं, समझा जलील? क्या हुआ जी? समझ बैठो जी, क्या हुआ कहते, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूछो, दरगाह से नहीं जेल से आ रहा कहते, पूरे महल्ले में मेरे को लोगा थूक रही। मेरा बच्चा इतने दिनों के बाद दरगाह से आया बोल के मैं सुबह सुबह उठ के मैं जल्दी नहारी पाए शामी सब बनाई, ये पुट्टा देखो तो जेल के रोटियां तोड़ के आ रहा कहते। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो जी बाबा बात को, हाँ इन्हों खाली पीले मेरे को बोल रहे हैं, समझाओ जी अम्मा इनको। अरे बस करो जी, अरे खामोश बैठो जी, अरे क्या हुआ जी, कहीं को पुकार रहे हैं, निकल, आजकल जेल बेकसूर लोगों को भी हो रही, तुम्हारे बड़े भाई का बेटा भी था जेल में, तुम्हारा छोटा साला भी था, अरे निकल, खुद वो तो गया बाहर और देख लेता हूँ। अरे मेरे सालों को, मेरे खानदान वालों को बोल रहा, अरे ये सब तुम्हारी तरफ से हो रहा, ये सब तुम्हारे लाया, मेरे कपड़े हैं जी अंदर, निकालो मेरे कपड़े अंदर, मेरे कपड़े मेरे को दे दो, मैं चले अपने बोल रहा, अरे जाए शर्म लंगा फिर। अरे बैठो जी इधर, बीपी हाई हो जा रहा, बैठो, अरे बीपी के गोलियां लाओ, अल्लाह मोना जरा पानी ला, अरे जा रे कमीने जा, आखिर हुआ क्या तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, जरा हालत कैसी हो गई, निकाल, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बात सुनो आप, ऐसा कहीं को मार रहे जी, तुम मेरे बाप है दुश्मन है, अरे जा रे, क्या मेरी मैयत निकाल देता, अरे बस करो, हेलो हेलो बड़ी भी मेरे कपड़े दे अंदर से बैग में डाल के, अरे जा रे कमीने जा, कमीने जब देखो जब बहस करते रहता, बीपी हाई होगा बाबा का, कुछ भी नहीं होता इनको, सब अदाकारियां है। क्या रे मोटे जहांगीर, हम 10 साल से शराफत से छुरियां कर ले रहे थे, किसी को पता नहीं चला, तू एक मिनट में भांडा फोड़ दिया, देख होता यारो, अब आ रही देख उस्ताद। अरे क्या आदमी है यारो तुम, जेल से छूट के खुद के घर को जाने का, मेरे घर को आते रे तेरे को, अरे जान दो उस्ताद, अरे जान, अरे क्या बैगन जान दो, और तुम क्या कमाल करे, मैं दरगाह से आ रहा हूँ, अगर मेरे जैसे लोग दरगाह को गए तो क्या शरीफ लोग जेल को जाएंगे, शर्म है रे तेरे को बैल के। अरे क्या करूं उस्ताद, सब लोग पूछ रहे हैं अमजद भाई कहाँ है, अमजद भाई कहाँ है, इतना लॉन्ग है तो कुछ ना कुछ बहाना बनाना पड़ेगा ना, अरे ये तो अच्छी हुकूमत है, आवाज उठाता कि कुचल दे रही, मुंह बंद कर साले, दे तो मुंह फोड़ डालूंगा मार के। खैर जान दो, सब गुस्सा यही नको उतारो, जीनत भाभी भी याद कर रहे हैं, वहां जाके गुस्सा ठंडा करो। बैठो जी। अब ऑटो किसका मार के लेकर आ लिए? मार के लेके नहीं आया दोस्त, नया ऑटो खरीदा तो भोनी तू कर मामा बरकत होती बोला। तुम तो जहन्नुम गए थे ना, वापस कैसे आ गए? शादी करके आओ बोल के वापिस भेज दिए। अरे यारो साजन की वापसी पे लड़कियां खुश होते झूमते नाचते, मगर तुम्हारे जज्बात तो कश्मीर के ऐसे ठंडे। क्यों, तुम्हारे वापस आने से महंगाई कम हो गई या फिर इंडिया से करप्शन खत्म हो गया? जब यार शेख पावर में आएंगे ना तो महंगाई भी कम होंगी और करप्शन भी खत्म होगा। यार शेख नहीं, तुम शेख चिल्ली है, सिवाय दो गज जबान के कुछ नहीं है तुम्हारे पास। क्या बोले? हेलो अनारकली, कौन बोले ये झूठे बाता, दो गज की जबान है बोल के खींच के मापे तो बामुश्किल 5 इंच की जबान है मेरी। पिछले 10 साल से तुम ऐसे बातें करके ना अपने विखार को खो चुके। विखार को खो दिया? अरे कौन बोले विखार को खो दिया बोल के, जुमेरात के दिन मैं और विखार मरचान होटल में बिरयानी खाए चाय पी पीर को दुबई जा रहा बोला उन्हें, विखार को खो दिए कहते। सिवाय मजाक है तुम्हें कुछ सोचता भी है? अच्छा अब्बा बोले तुम जेल से छुट के आए कहते। अल्लाह
बुड्ढा मिलिट्री से रिटायर हो गया मगर अभी भी उसका दिमाग वहीं है। हाथ छोड़ मेरा। आई एम सॉरी। अमजद, तुम इस तरह की बातों और हरकतों से अपना भरोसा खो चुके। भरोसा खो चुके? अरे भरोसे और टिकाओ में हमारे से अच्छी मिसाल कौन पेश कर सकते? ये ब्रांड 10 साल से तुम्हारे साथ टिके हुआ है और जहां तक भरोसे का सवाल है, 10 साल में अब तक तुम्हारे साथ ऐसी कोई नाजेबा हरकत नहीं करा। कम से कम किसी के सर का ताज नहीं बने तो किसी की जूती भी ना बनो ना। अब क्या बोलना चाह रहे हैं तुम, सीधा सीधा बोलो। मैं अम्मी अब्बा को राजी करा लेती हूँ। कम से कम तुम तो अपने आप को बदलो। ठीक है, बदल गया समझो। ठीक है, मैं चलती हूँ। ए ऑटो, चलते क्या? कुछ देना पड़ता? नहीं देते। कैसा नहीं देते, हम ले लेते। चल भाई जल्दी कर, जल्दी कर। हे, हु आर यू? दिस इज माय कार। तुम कौन है? माय डॉक्टर हकीम। अच्छा, तुम डॉक्टर भी है, हकीम भी है? नो, माय नेम इज हकीम, माय डॉक्टर हूँ। तुम लोग कौन है? हम लोग हाँ चोरा हैं। चोर हो? ए चल, ये गाड़ी हमारी हो गई, चल। अरे डॉक्टर, हालत से मोतियाबार बेचने वाला दिख रहा, इतनी महंगी गाड़ी लेके क्या करता है, निकाल चाबी। ओके, कूल कूल, कीप द कीज, कीप द कीज। ओके, चल बैठ भाई जल्दी, गो, तू निकल। ओ नो, माय ब्यूटीफुल कार, गो गो। अब ससुरे साहब को क्या जवाब दूंगा? अरे बेटा, कलौंजी का तेल है, देखो वहां ले आओ। यहाँ कैसा है? बालकनी से चढ़ के आया। फोन करना था। नॉट रीचेबल आ रहा। अच्छा, मैं चलती हूँ, अम्मी अब्बा यहीं बैठे, देख लेंगे। एक दियो ना। कल लिए थे ना? फिर आज दियो ना। जाओ बाद में। अच्छा सुनो, शाम का याद है ना? क्या याद है? तुमको नहीं मालूम? अरे वही चला था सामने भेजा है ना, बुला आवाज दो। जीनत जी, अम्मी क्या कर रही? वो दूध वाला है तो उसे दूध ले रही थी। छोड़ो यार, इतनी देर से वो दूध पतला लाया तो उसको बातें कर रही हूँ। दूध वाले से क्या बातें कर रही? एक दे यारो, प्लीज जाओ तुम यहाँ से। अब होना बोला ना? दूध वाला तो सुबह आके गया था, अब किससे बातें कर रही इन्हें? हाँ जी, वो तो बाहर के दरवाजे पे आता। हाँ, बालकोनी में किससे बात कर रही? चलो तो सही। अच्छा, अरे बेशरम, मुझसे कहती है कि दूध वाले से बात करिए और इस कमीने को घर तक बुला लिए, ये है तेरा दूध वाला? नहीं आंटी, असल में वो मेरा कलर दूध के ऐसा गोरा है ना, इस वास्ते दूध वाला बोल रहे हैं। अच्छा, अब देख मैं ये दूध का दही कैसे बनाता हूँ। बेगम, लाओ मेरी खानदानी तलवार। कहाँ गया ये? ऊपर वाले को याद कर लो। कौन है? पोलियो ड्रॉप वाले। इतनी रात को पोलियो ड्रॉप वाले? हमारे घर में कोई बच्चे नहीं है। अरे कौन है भाई आप लोग? चोर है। मैं बात कर रहा हूँ ना अंकल, असल में हम लोग चोरा हैं, शराफत से चोरी करते चले आते। अच्छा, चोरा है आप लोग? हाँ। अच्छा अच्छा, बेगम ये नियत ही शरीफ और ईमानदार चोरा हैं, इन्हें अंदर लेके जाओ, घर का सारा सामान इनको बता दो, जो चाहिए लेके जाने दो। आइए चलिए।
तू यहीं बैठ, मैं जाके आता हूँ। आप आइए इधर बैठ। वैसे चिचा, दरअसल ये बात है चिचा, चाय पिए तो पान को नहीं है, पान खाए तो चाय को नहीं है, हम लोग ये सब मजबूरी में कर रहे हैं। और महंगाई तो आसमान को छू रही, आप देखे तो पेट्रोल के रेट इतने बढ़ गए, अमीर तो डला ले रहा, गरीब साइकिल पे निकल जा रहा, बचे हम जैसे लोग, खर्चा मेंटेन करने के लिए कुछ तो करना पड़ता चीचा। सही भी, बिल्कुल सही बोले आप, बिल्कुल सही बोले। महंगाई रुला दे रही नहीं चीचा। हाँ मिया। क्या हुआ उस्ताद, कुछ मिला नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, बैगन मिला। अरे वर्ल्ड के सबसे बड़े पनौतिया है रे भाई ये लोग। अगर ये लोग अमेरिका गए ना तो अमेरिका भी भूटान बन जाता। चल निकल यहाँ से, अपन थोड़ी देर यहाँ रुके ना तो अपने भी पैंटों को पेवन और पोके लग जाते। चल रे भाई चल। अरे क्या इफ्लास लोग हैं रे भाई तुम लोग। अरे रे रे रे, रे। बेगम, ये चोरों को देखो, कैसा लोगों के घरां लूट रहे और कैसा सीना तान के फिर रहे, और हम इज्जत को मर रहे, हम खुदकशी कर रहे थे, हम अब हम नहीं मरेंगे बेगम, अब हम जिंदा रहेंगे। जब चोरा जी सकते तो हम क्यों नहीं जी सकते? ये चोरा हमको अच्छा सिखा के गए, हमको जीना है, हम नहीं मरेंगे बेगम, हौसला रखो। अरे इतना खतरनाक बम कहाँ से मिल गया तेरे को? चुरा के लाई। बेटे बड़ा भयानक है ये, फट गया तो सारा मोहल्ला उड़ जाएगा। हाय मेरे अल्लाह, क्या खयामत है, क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ मैं? घबराओ मत अम्मा, हम सब एक साथ जाएंगे। ऐसा मत कर बेटी, अभी हमारी उम्र इच क्या हुई, अभी तेरे बच्चों को गोद में भी खिलाना है। बच्चों को गोद में खेलने के लिए शादी होना जरूरी है, वो तो आप लोग होने नहीं देंगे। नहीं नहीं, करा देंगे करा देंगे, तू जिससे बोले उससे करा देंगे। तो अमजद को बुला लूं? हाँ हाँ बुला ले बुला ले, पर इस बम का पीछा छोड़ दे। बम रख दे बेटा। तू अमजद से शादी करना चाहती है, ठीक है, कल के दिन तेरी जिंदगी में जो भी ऊंच नीच हुई इसकी जिम्मेदार तू होगी, मैं नहीं। मैं अमजद से शादी करने के लिए तैयार हूँ, कल के दिन जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी। वाह वाह, क्या बिजनेस डील हो रही है बाप बेटी में। आजी खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, नुकसान तो खरबूजे का ही होना है ना। अब क्या करता, मैं लाख बार उस मक्खी को अपनी नाक से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये हर बार लाती और मेरी ही नाक पे बिठा देती, क्या करता मैं। ठीक है, बुला उसे, मैं बात करना चाहता हूँ, मेरी भी कुछ शर्तें हैं। वाह बेटी। क्या जमाना आ गया, हमारे जमाने में बच्चे आशिकी करे तो माँ बाप बच्चियों को बांध के रखते थे, और आज ये बच्चियां माँ बाप को बांध के रख रही। उस कमीने की मोहब्बत में पढ़ के कब तक सगे बाप को बांध के रखेगी तू? उस कमीने को बचाने के लिए ही मैंने सगे बाप को बांध के रखा है, वैसे भी कई बार हुआ आपके हाथ मरते मरते बचा। बहुत अच्छी होशियारी करे जो इनके हाथों को बंद कर रखे, अक्सर लोग पत्थरों को बंद कर रखते और कुत्तों को खुला छोड़ देते। मेरे हाथ तो खुलने दे। टाइट बने ना, कहीं खुलेंगी तो नहीं? बेफिक्र रहो, कोई बात नहीं, फिर तो अपन खुल के बात कर सकते फुल डेयरिंग के साथ। ढंग के कपड़े पहन के नहीं आ सकते थे क्या? ये क्या है? बेबी, ढंग के कपड़े, जो दिखता है वही बिकता है, ब्रांडेड कपड़े है ये, और मैं ये टैग इसलिए नहीं निकाला कि मेरे बुढ़ो ससुर को मालूम हो कि उनका दामाद ब्रांडेड कपड़े पहनता। 3,500 का शर्ट, 2,000 की टी शर्ट, 2,500 का 3/4 और 1,500 की अंडरवेयर। आपके कुछ हालात सुधरे भी हैं या फिर वही इसकी टोपी उसके सर वाला मामला है? अब तो माशाल्लाह आपकी बेटी को अच्छे से अच्छा खिला सकता हूँ और अच्छे से अच्छा पिना सकता हूँ।
अच्छा खिलाने और अच्छा पहनाने से तुम्हारा मतलब जेल की रोटियां और हथकड़ियां तो नहीं? अच्छे से अच्छा खिलाने का मतलब है बिरयानी, मुर्ग पुलाव, तीतर पुलाव, बटेर पुलाव, बूट पुलाव, गोभी पुलाव, खोरमा, खलिया, कोफ्ते, शामी कबाब, शीख कबाब, बोटी कबाब, बादाम कबाब, मछली कबाब, अंत कबाब, नरगिसी कबाब, रान कबाब, भेजा, कलेजी, गुर्दे, जबान, जीन, कपूरे, माश की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, सोजनी की फल्ली, सेम की फल्ली, बीन्स की फल्ली। बाहर निकले तो बारिश हो जाती, ट्रेन के इंतजार में ठहरे तो ट्रेन लेट हो जाती, कुछ खरीदने गए तो बाजार बंद रहता, राशन के लाइन में ठहरे तो अपना नंबर आने से पहले राशन खत्म हो जाता, बीमार पड़ गए तो डॉक्टर स्ट्राइक पे रहते, बैंक से पैसे निकालने गए तो बैंक मुलाजिम हड़ताल पे रहते, सड़क के किनारे घर बनाए तो घर रोड वाइंडिंग में आ जाता, शादी में गए तो खाना खाने से पहले खाना खत्म हो जाता, ईद की नमाज को जाएंगे वे तो लोगा नमाज पढ़ के बाहर आके गले मिलते रहते, कोर्ट में रिहाई के सुनवाई के वक्त ही जज छुट्टी पे रहता, जरा आजाद होके जेल से बाहर निकलते ही पुलिस वाले बाहर ठहरे रहते, बोलते चलो तुम लोग वापिस अंदर आना है। अब शादी की बात करने गए तो शादी कैंसिल हो गई, मेरे को ऐसा दिख रहा बदनसीबी का ये सिलसिला चलता रहा तो एक दिन जिंदगी जीने की तमन्ना दिल में जागी तो उसी वक्त मौत आ जाती। जो जो तुम्हारे साथ होता उस्ताद वो मेरे साथ होता, ये दुकड़ा मैं जाके किसको सुनाऊं? जाके किसको भी नक्को सुना, कश्मीर के दो टिकट ला। ये अच्छा फैसला करे उस्ताद, देखना तुम ये इम्तिहान में जरूर कामयाब होंगे, मेरा दिल बोल रहा उस्ताद। अरे अरे ये नाम फिल्म के कुमार गौरव की तरह रो रो के मेरे गले मिला ना तो मैं भी नाम फिल्म के संजय दत्त की तरह आखिर में मर जाता हूँ। उस्ताद जाने से पहले एक बड़ा हाथ मार लेंगे उस्ताद, हाथ में खर्चे को कुछ पैसे रह जाते। खामोश, खबरदार अगर चोरी की बात करा तो। उस्ताद हमेशा हम तुम्हारी सुनते ना उस्ताद, एक बार हमारी सुन लो ना उस्ताद। ठीक है तू बोल रहा तो ये बार आखिरी चोरी तेरे वास्ते कर रहा हूँ, अगली बार चोरी तू अकेले ही करना। क्या ख्वाहिश रहती है उस्ताद, मजबूरी को चोरी करते हैं। पकड़ेगा नामजद, अब क्या बहाना है तुम्हारे पास? अरे ताइमा का घर है बोलता, इन्हें बोला ये इसके ताइमा का घर है, ताइबा का वीजा अलमारी में बंद है, कल उनको दुबई जाना है बोला, और अलमारी की चाबी गुम गई बोला, इस वास्ते मैं खोलने आया, और यकीन मानो ये अंधेरे में मेरे को मालूम नहीं हुआ ये तुम्हारा घर है बोल के। जीनत मैं तुम्हारे घर में चोरी करूंगा? और अगर मेरा घर नहीं होता तो किसी के भी घर में चोरी करना सही है? जान दो ताइमा, गलती हो गई, चलते। हेलो पुलिस स्टेशन। अरे क्या आवाज है खालू? वो कहावत है नहीं, जब इंसान का बुरा वक्त चले तो ऊंट पे बैठे तो भी कुत्ता काटता गते, मगर उस्ताद ऊंट पे बैठे तो कुत्ता कैसा काटता उस्ताद? क्योंकि कुत्ता दीवार पे बैठे हुआ था। मेरे को नहीं मालूम था भाभी का घर है जो। सलाम उस्ताद, करा दिया बिल। आदाब साहब, आई गिव एन ए कंप्लेन फॉर माई कार, व्हाट हैपेंड? अरे तुम्हारी गाड़ी है जी दुनिया में नहीं सो, ढूंढ रही कर रही, मिलती गाड़ी कई को परेशान कर रही, सबर करो थोड़ा। ठीक है सर। साहब साहब इन दोनों ही है साहब, यही दोनों है साहब, यही दोनों है साहब, मेरी कार लिए सो। ठीक है साहब, चल रहे हैं। साला मोतिया बाहर वाला। क्या बदनसीब है रे। पहला केस है रे ये, जो मुलजिमा लॉकअप से बाहर निकलते फिर लॉकअप में जाते सो। ओके साहब थैंक यू शुक्रिया साहब, थैंक यू, चलता हूँ साहब। मैं बोला था ना तेरे को, अपन लोग रिहा होते फिर गिरफ्तार हो जाते, कितने बदनसीब है अपन। और क्या क्या मुसीबत आने का है कि उस साथ।
इतनी रात को खिड़की से कूद के चोरों की तरह यहाँ क्या कर रहे मियाँ तुम? दरवाजे से तो सब आते हैं, हम खिड़की में से आने वालों में से हैं। घरों में तो सब रहते हैं, हम दिल में बस जाने वालों में से हैं। मैं जीनत से मिलने आया। जीनत तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। जीनत, जीनत, जीनत! क्या है अमजद ये नया नाटक इतनी रात को? ये नाटक नहीं है, ये मेरे दिल के छाले हैं जो तुम्हारे को बताने आया। ये कश्मीर की टिकट तुम्हारे बाप की शर्त मंजूर है मेरे को। सच बोल रहे हैं या फिर धोखा देने का इरादा है? दुनिया को धोखा दे सकता हूं मगर तुम्हारे को नहीं। तुम्हारे बाबा से ये पूछो कश्मीर में कहां जाना है और किससे मिलना है। अब्बा इन्हें लेटर दे दीजिए ठाकुर जनरल सिंह का, फिर देखते हैं इनमें हिमालय की सर्दी बर्दाश्त करने की हिम्मत है या नहीं। ऑर्डर तो ऐसे दे रही हो जैसे मुंशी को दिया जाता है, इनका हिसाब कर दो, इन्हें स्टेशन छोड़ दो। आजकल की औलाद भी ना। फोन करते ना। फोन करते रहूंगा। जीनत, जीनत, भूल जाते क्या? नामुमकिन है मेरी जान। अपनी छन्नी में कई छेद है, दूसरों को क्या बोलूं मैं? ये शर्म पुट्टी मारूं। ख्याल रखना। तुम भी। हेलो एखत, मिस्टर ठाकुर जनरल सिंह के नाम है, मेरे दोस्त, उनसे मिल लेना। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मैं एक दिन लौट कर आऊंगा, ये मत भूल जाना तुम। अरे अब तो दरवाजे से जाओ। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। मर गया। रावल जी क्या हुआ? चोर, 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 कमीने, अरे चोर, 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 अरे अरे मैं हूँ। ऐसा छुप के इतनी रात को चोरों के जैसा तू जा रहा कहाँ? कुछ तो बोल। कहाँ जा रहा इतनी रात को? क्या करूँ अम्मा? हाँ, शहर के हालात तो तुम्हारे को मालूम, जमाना कितनी तेजी से बदल रहा। हाँ, कल जो साइकिल रिक्शा थे आज ऑटो रिक्शे में बदल गए, कल जो था आज नहीं है। जितने अच्छे लोग थे वो जमीन का पेवंत हो गए, और जो जिंदा है उनके दिमागों को फालिज मार गया। मेरे जैसे 10,000 वोल्ट के बल्बों की यह खदर नहीं है। हाँ, यहां तो जीरो के बल्बान चलते। यहां के हालात दिन ब दिन मेरे खिलाफ होते जा रहे हैं, इसलिए मैं ये उजड़ी हुई बस्ती छोड़ के जाना चाह रहा हूं। क्या करना क्या नहीं करना समझ में नहीं आ रहा, मेरे सर में लावा फट रहा ऐसा। इसलिए मैं ये फैसला कर लिया अम्मा, मैं ये शहर छोड़ के कश्मीर चले जाऊंगा। कम से कम वहां के बर्फ से मेरा सर तो ठंडा रहेगा। कश्मीर जाता? अरे तेरी सात पुश्तों में कोई हैदराबाद से सिकंदराबाद नहीं गया सर्दी के डर से। मालूम है तेरे दादा को कश्मीर का नाम सुनते ही छिक आते थे उनको, दिमाग खराब है कमबख्त कांका की, कश्मीर जाता करते कश्मीर। आप जैसे पुरानी पीढ़ी की सोच की वजह से आज हम जैसे नई पीढ़ी चबूतरों पे है। खुदा के वास्ते जरा सोच को बदलो, हम लोग को बाहर जाने दो, कुछ करने दो।
क्या है कि भैया पुट्टे का समझ में नहीं आ रहा। भैया आप कश्मीर क्यों जा रहे हैं? वहाँ पे तो बहुत खून खराबा होता ना। खून खराबा तो यहाँ पे भी होता छोटी, लेकिन तेरी दुआएं हैं ना भैया के साथ। अरे छोटी मैं हूँ ना। अरे मियाँ क्या लीडरों की वजह से भामटे बातें कर रहा, कश्मीर जाके जाफरान या सुखा मेवा चोरी करने जा रहा। अरे अरे क्या अब्बा, हाँ कुछ भी बोल देते। क्या आप अपने बेटे को चोरी की तालीम दिए? हाँ। अरे आपके दादा जितने शरीफ थे उससे कई ज्यादा शरीफ आपके अब्बा थे, आपके अब्बा जितने शरीफ थे हाँ उससे कई ज्यादा शरीफ आप है। हाँ? और आप जितने शरीफ है उससे सौ गुना शरीफ आपका बेटा है। आपका बेटा ना आज तक कोई गलत काम करा न जिंदगी में कभी करेगा। आपके सर की कसम। वाह क्या खानदानी शराफत टपक रही, मर जाते हो। अरे जल्दी चलो उस्ताद, ट्रेन निकल जाएंगी। चलते चल निकल। अच्छा चलता हूँ मैं। अब मैं नहीं बच सकता, 101% मर जाता हूँ। इन्हें मेरे सर की कसम खाया, तुम कन्फर्म बेवा हो जाते। ऐसा हो सकता जी? खामोश, वो बेटे की अम्मा है तुम। क्या असद मारा ससुरा मामली से कागज का टुकड़ा दिए तो तुम इतने लंबे सफर पे निकल गए? अभी भी सोच ले, तेरे को वापस जाना है तो चले जा। मगर उस्ताद अब ट्रेन से मैं नहीं आता, आते खुद मैं प्लेन से आता हूँ। मैं तुम्हारे बाप भी कभी प्लेन में बैठे? अब प्लेन के टिकट के पैसे तुम दियो। ले रिक्शा। अरे टिकट पीछे, टिकट। किसी के माल पे इस तरह हाथ साफ करते हैं क्या? फ्री के माल पे कचरा चुनने वालों का हक होता, समझे? अच्छा तुम कचरा चुनते हो? हाँ। तो ये लो तुम्ही खा लो। अरे रुक जा भाई। हेलो। अरे रुक यार। अरे रुक जा। चल आ जा। चलो। ओ मेरे प्रभु के चरण में आ गया। अंकल जरा आप लोग वहां बैठ जाते। अंकल बोल रहा, अरे क्या मैं तेरा कालू दिख रहा हूँ? पहले ये बोलने का, मजाक से मारे सीरियस मारे? सीरियस मार रहा हूँ, चल। वो ही बोलता हूँ, मजाक पसंद नहीं है मुझे। ऐसा, चल। अरे क्यों घस लेता यार लोगों से, चल बैठ जा। हाँ ये ले लो। ले ले। शरण में तू अंदर बैठ। आ गया। इसी बात पे मैं आपको चाय पिलाऊंगा, मगर पैसे आप लोग ही दे। क्या उस्ताद, खाली चाय के सिवा कुछ भी नहीं है इतनी पहाड़ी इलाके? हाँ कुछ नहीं है। तूने चाय तो पी ली, चाय का पैसा मेरे पास दिया है। पार्टी से मैं जब बाहर निकला तो कार पे लड़कियों ने मेरे पास आई लव यू अपने खून से लिख दिया। दे दूंगा तो तू दे देना। मैं भी क्या करता, कितनों से प्यार कर। ठीक है उस्ताद चाय लो। नेटवर्क नहीं आ रहा रे भाई, यहाँ पे पहाड़ी इलाका है ना। हाँ उस्ताद। मेरी कौन सी फिल्में देखी आपने? एक भी नहीं। उस्ताद देखे मेरे पीस के साथ उन्हें ठहरेवा है। आप फिल्मों में काम करोगी? हाँ अगर चांस मिला तो। एक मेरी फिल्म बनने वाली है। हाँ। गंजा मांगे बाल। हाँ? उसका डिस्कशन चल रहा है, उसमें मैं आपका रिकमेंड करता हूँ अपनी तरफ से। दिल जर्रा सा। अरे जान देना रे भाई, थोड़े घंटों में पीस हो गई तेरी। एक काम में दो काम करके आता हूँ उस्ताद, शाबाशी देना तुम। एक काम में दो काम, देख के कहीं जूते खा लेगा। बस आप अपना थोड़ा सा अपनी फिगर का ख्याल। हेलो। हाँ? तुम यहाँ आके कहीं क्यों ठहरे? तुम क्या होना बोलो, तुम निकली सा होना, चाइना होना, क्या होना बोलो? ए, तू चाइनीज स्नैचर है क्या? चल निकल यहाँ से। इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। बेखौफ है वो। कैसे कैसे पागल बस में चढ़ जाते हैं पता नहीं। ओ चलो बस निकल रही है, बैठ जाओ। रख दो यहीं पर,
उस्ताद जरा लैटरिन को जाके आता हूँ। ठीक है जल्दी आ। चलिए। अब अगर बस में कोई भी पंगा हुआ ना तो सीधा अरेस्ट। मेरे फिल्मा देखिया करिए आप, जेम्स बॉन्ड से भी ज्यादा इंटरेस्टेड मूवीज रहती है मेरी। आप मेरे से मिलते रहिए, मैं आपको ऐश्वर्या राय बना दूंगा। इसकी फोटो है ना स्क्रैच कर देता हूँ, सब चोरों को क्रेडिट कार्ड निकले जब से नुकसान हो गया। बच्चों को क्यों ना ले? बच्चों को लाके क्या करते, परेशान करते बच्चे। अरे ये तो कोई बात नहीं है, बच्चों को साथ लाना चाहिए। बात कैसे नहीं है, मेरा पर्स कहीं गिर गया लगता है। गिरेगा कहाँ सर, किसी ने पर्स मार लिया होगा। मार लिया? ए बस रोक। सर ये बहुत खतरनाक इलाका है, यहाँ बस नहीं रोकते। बॉस का पर्स चोरी हो गया है, उसमें कीमती सामान था। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर डाकू लोगों का अड्डा है। हेलो, कीमती चीजा थे तो संभाल के रखना था, तुम लोगों की लापरवाही की सजा दूसरे कहीं को भुगतेंगे। ओ हीरो पहलवान, मेरा पर्स कहीं गिरा विरा नहीं है, यहाँ किसी ने मारा है और मैं सबकी तलाशी लूंगा। तलाशी लेना है तो चलती बस में लो, सुबह तक मेरे को कश्मीर जाना है, मेरी दादी मर गई। ए कंडक्टर, गाड़ी रुकता है या गोली मारू तुझे? ए रोको, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, सबको बाहर निकाल। ए चलो सब बाहर। और सबको बाहर निकाल। हेलो भाई साहब, ये कोई तरीका है बीच जंगल में बस को रोक के पब्लिक की चेकिंग करते, जबकि कंडक्टर आपको बोल रहा है ये जंगल खतरनाक है। तुम्हारे पॉकेट चले गए तो तुम संभाल के रखना ना, किसके पास है पॉकेट, किसके पास है, कहाँ है मेरे पास। ये क्या है? पुलिस वाला है। भाई वो मेरे, मैं जॉन। भाई लेटर। अपने सामग्री मिल गई, अपने को अपने काम की सामग्री मिल गई। ए भाई वो लेके चल रहे इसको। भाई मेरी बात सुनी। उस्ताद, मेरे उस्ताद, उस्ताद इसको भी लो। मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे साथ है। मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। ए इसको पकड़। छोड़ दो मुझे, छोड़ो छोड़ो। ले इसको, ये चलो रे लेके। भाई देव कपूर है और ये अपनी फिल्मों में 100-100 आतंकवादी को साथ में मार, इसे भी ले चलते हैं भाई। ए भाई, Oh,
बड़े भाई, अव्वल या आखिर मारना ही है ना, तो कई को ये जंगल में थका थका के मार रहे, मार दे ना भाई एक ही बार। ए भाई, अपन से चलना नहीं होता, अपन का कोई डुप्लीकेट तुम्हारे पास है तो आगे उससे चला लो। मेरे को जाना था कश्मीर, तुम लोग आ मेरे को जंगल में ला लिए। ये जंगल तो मेरे दिल से भी ज्यादा उजड़े हुआ दिख रहा। उजड़ने से याद आया भाई, कब तक धर्म के नाम पे लोगों के घर उजाड़ेंगे। अबे इतनी जबान तुम किसी की चलने नहीं थे, और तुम जिंदा सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे जरिए हमारे आदमियों को छुड़ाना है। कुछ भी करो भाई, मगर एक बात याद रखो, मर के तुमको भी ऊपर वाले को मुंह दिखाना है। ये काले कलोटे चेहरे, ये काले कलोटे गुनाह लेकर कैसा मुंह दिखाएंगे उसको। हाँ चल चल बे, लेके चल इसको, लेके चल। अरे तेरी प्यास बुझाने के लिए तो नदी में लाया था, और नदी अब सूख गई, मैं क्या करूं, तेरी प्यास तो अब मैं बाद में बुझाऊंगा। आतंकवादी भाई, लिया ड्रिंक तो भी जाने दो मेरे भाई, जोर से आ रहा भाई। अबे मंजिल पे पहुंचने तक कोई भी कहीं किधर नहीं जाएगा, समझा ना। बड़े भाई इसकी इजाजत तो जेल में भी देते, मेरे को भी तहारत लेने जाना है। नाम अर्जुन सिंह और तहारत की बात, खोल के दिखाऊं क्या? ए खोल दो उसको, जल्दी जल्दी करके आ, देखता क्या जा। हीरो जा तू भी कर ले। जब तक के वेस्टर्न टॉयलेट और पेपर नहीं मिल जाता, अपने वो खुले में करने की आदत नहीं है। रोक के रख पेट में। फैसल जी भाई, ये बस्ती ठीक लग रही है, कुछ वक्त और कुछ दिन हम यहीं गुजारेंगे। जी भाई, और इन पे नजर रखना, ठीक है? चलो रे। भाईजान क्या बिरयानी ला ली क्या? साथ में स्पून और टिश्यू पेपर लाते तो अच्छा होता था। ये क्या है? What is this? ये कुरमुरा है, ये पेट के लिए मुफीद है और चढ़ी हुई चर्बी भी काटता है। तुम लोगों को जितनी चर्बी है ये तुम लोग आज खाओ। खाएगा या गोली खाएगा? अरे खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा, खाओ खाओ तुम भी खाओ तुम खाओ, अरे खाओ खाओ। मुरमुरे देख के मेरे को मेरे परदादा मरहूम दिलावर खान की याद आ गई। तेरे दादा मुरमुरे बनाते थे या मुरमुरे बेचते थे? मुरमुरे बनाना तो दूर, उन्हों जिंदगी में कभी मुरमुरे देखे भी नहीं। उन्हों तो बटेर पालते थे, बटेर लड़ाते थे और बटेर खाते थे। उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि कोई गली से गुजर गए तो उनके दोनों शोल्डर दीवारों को लगते थे।
और आवाज ऐसी थी कि उन्हों यहां पुकारे तो 5 मील दूर लोगों की फट जाना। फटना? 4 बीवियां है, 25 लौंडियां और 112 बच्चे थे। जवानी में उन्हों कभी अकेले नहीं सोए, और अगर इत्तेफाक से अकेले सो भी जाते तो उनका गरम हो जाता था। क्या? दिमाग। और जब दिमाग गरम होता था तो बस्ती वाले पूरे उनके सर पे रोटियां सेकते थे। ज्यादा ही फेंक रहा। समझा? आर्टिस्ट रेडी है, लोकेशन भी रेडी है, कैमरा रेडी है। जी भाई। एक्शन बोलना। एक्शन। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सुना है कि आपके मुल्क में काफी महंगाई हो गई है, अब आप हमसे दुश्मनी मोल लोगे तो महंगा तो पड़ेगा ही ना। खैर, दीगर अहवाल ये है कि आपके कुछ ऑफिसर कुछ दिन हमारे यहाँ मेहमान बन के रहेंगे। वो क्या है ना, वो कितने दिन रहेंगे ये आपके हाथ में। अगर आप लोग हमारे 4 साथी जाहिद, रशीद, मुर्रा और सुफियान को जितना जल्दी हो सके छोड़ दे, वरना हर एक रोज इन ऑफिसरों के लिए नई मौत है। और ये क्या कहता है अपना रंगमंच का सितारा? हाँ? और क्या कहता है? मत मारो सर। हाँ? बताना क्या नाम है तेरा, बताना। हाँ? हटा। मेरा नाम देव कपूर है। देव कपूर। इसे देखो, अपने फिल्मों में 100-100 आतंकवादियों से अकेला लड़ने वाला, आज एक आतंकवादी के सामने हाथ बांधे खड़ा है। और इसे तो हम अपने मनोरंजन के लिए लाए, इन ऑफिसरों को जैसे ही छोड़ेंगे इसे भी छोड़ देंगे, लेकिन शर्त पूरी होने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये तो भैया है। मैंने सुना है कि आपके मुल्क में काफी महंगाई हो गई है, अरे अब आप हमसे दुश्मनी मोल लोगे तो महंगा तो पड़ेगा ही ना। अरे अपना अंजत है जी। अंजत ही जी वो। खैर, दीगर अहवाल ये है कि आपके कुछ ऑफिसर कुछ दिन हमारे यहाँ मेहमान बन के रहेंगे। वो क्या है ना, वो कितने दिन रहेंगे ये आपके हाथ में। कितनी बार बोली जी, मैं घर में बैठ छुपके बैठ वो मुंडी काटने वालों की चुंगल में फंस गया है पोट्टा। कम से कम जेल में तो भी रहता तो जिंदा रहता था ये पोट्टा, जाके दुश्मनों में फंस गया ये बच्चा। या अल्लाह मेरे बच्चों को बचा ले, या अल्लाह इन डाकू के चुंगल से बचा ले, या अल्लाह मेरे मौला मेरे बच्चों को बचा ले। देखो जी अमजद को। अरे मैं बाहर निकला तो लोग बोल रहे तुम्हारा बच्चा बड़े बड़े हाथा मार रहा थे, मिठाई खिलाओ मिठाई खिलाओ बोल रहे। ये नहीं दिख रहा कमबख्तों को मेरे बच्चे के साथ क्या जुलूम हो रहा। सो ये सब आपकी वजह से हो रहा, बचपन से मेरे बच्चे को कंट्रोल में नहीं रखा आपने। खामोश बैठो जी, क्या दीवाने बातें कर रही। जिसम में क्या नरम बोले तो फेफसा नरम करते, अब इधर उधर से सारी बला मेरे पे आ गई। अरे आप लोग झगड़ा मत कीजिए, भैया को बचाने का कुछ कीजिए। हाँ ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन जाके आता हूँ। वरना हर एक रोज इन ऑफिसरों के लिए नई मौत है। सेनात, अमजद तो अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है, कभी इसने तुमसे कुछ बताया? अब्बा वो सब झूठ है, मैं उसको 10 साल से जानती हूँ, वो कोई पुलिस वुलिस वाला नहीं है। अरे पुलिस वाला तो बहुत छोटी चीज है उसके सामने। आई प्राउड ऑफ माई सन इन लॉ, वो तो देश का एक सच्चा सिपाही निकला। आप लोग समझते क्यों नहीं, कोई भी सिपाही विपाही का चक्कर नहीं है, उसकी जान खतरे में है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तो फख्र होना चाहिए कि तुम देश के एक सच्चे सिपाही की बीवी बनने जा रही हो। अब्बा ये ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दो, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं इस घर को बॉम्ब से उड़ा दूंगी। लिसन ऑफिसर्स, ये क्लिप किसी भी हाल में लीक नहीं होना चाहिए, और मीडिया में तो बिल्कुल भी नहीं। सर क्या अर्जुन सिंह ये किस तरह की क्लिप है? आपको भी मेल आ गया क्या सर? मेरे को क्या, सारे देश में चल रही है क्लिप।
अब क्या जवाब देंगे? आप लोग ही कुछ मशवरा दो, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। सर, इस न्यूज को दबाने के लिए हम इससे गर्म न्यूज चाहिए, वरना ये मीडिया वाले दाल दाल के हमारा दिमाग पका देंगे। सर, वो सारे समाज के लिए किसी भी फायदे के काबिल नहीं है, उनको इन आतंकवादियों के हाथों मरने देते हैं। सर, एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलना पड़ेगा, और जब हकीकत सामने आएगी हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अरे डराओ मत यार, इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलने का इसका कुछ मशवरा दीजिए। जाने दो ना सर, एक दो चार दिन में उनकी मौत की खबर आती ही होगी। सिविलियंस की मौत की खबर सुनने के लिए तुम ऑफिसर बने हो क्या? ओके सॉरी सर। ए, पर्स मारा क्या? ए, चुप चुप चुप, आवाज नहीं। क्या खूबसूरत दिख रही है। मैं चारों तरफ देख लिया, कोई भी आतंकवादियां नहीं है, अपन लोग यहां से भाग सकते। चलो 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 चल चल जल्दी चल चल। खाइए यहाँ पे, कोई और रास्ते से जाना पड़ेगा आपने को। अब कहाँ है रास्ता? ऐसा, यहाँ से चलो चलो। अब मैं नहीं भाग सकता, अब मेरे से नहीं हो रहा। मुझे भूख लगी है। मेरे लोग शूटिंग में इंतजार कर रहे होंगे। अरे भाई, सबको अपनी अपनी लगी हुई है, पहले यहाँ से निकलो यार। वो चलो भागो। मौत से भाग कर मौत के पास ही जाना है। सब भागने का आइडिया इसका था, पहले इसको मारो। चल सीधे चल। छोड़ो सर, 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 आप भी इन लोगों के बातों पर यकीन कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अरे ए, वो तो गया तुम लोग का नाटक, लेके चल रहे चल। अरे यहाँ क्या गड़बड़ कर रहे रे? अपने अपने घरों को जाके पुकारा करो, हमारे घर मिलता क्या रे पुकारा करने के वास्ते? अरे 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 चंगेज भाई, हाँ सुनो, आपके बच्चे का न्यूज देखा भाई? हाँ। बड़ी तकलीफ में है आपका बच्चा। हाँ। अब आपका बच्चा जिंदा वापिस आता या नहीं मुर्दा आता? क्या दीवाने बातें कर रहे तुम? हमदर्दी कर रहे मेरे साथ या मेरा दम निकाल रहे तुम? अरे चंगेज भाई, दम तो आपका बच्चा कर रहा, हम तो आपकी दोस्ती की खातिर आपसे हमदर्दी कर रहे हैं। अरे चलो भाई छोड़ो, चलो हमदर्दी का जमाना ही नहीं रहा। क्या खराब जमाना आ गया, हमदर्दी करना ही मुश्किल हो गया। चलो भाई चलो, क्या चलो, 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 चलो। अरे जाओ जाओ, ऐसा कर रहे हैं जैसा 25-50 हजार रुपए दिए हमदर्दी करने का। दे हमदर्दी, लानत है ऐसी हमदर्दी पे, बड़े हमदर्दी करने को आए इनो। थू अरे तेरा मैं क्या बिगाड़ा था, तू जो मेरे को ऐसे दलदल में फंसा दिया, तेरी वजह से मैं शूटिंग तक भी नहीं पहुंच सका। अरे मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, वो टेररिस्ट मेरा मोबाइल ले लिए। तेरा क्या है, तू तो पुलिस ऑफिसर है, तेरे को तो लोग छोड़ भी देंगे। अरे यार मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ रे मेरे भाई, हम लोग चोर उचक्के है, हमारे को छुड़ाने कोई गवर्नमेंट मदद नहीं करेंगी। तू सुपर स्टार है, बॉलीवुड का एक्टर है, कम से कम तेरे को छुड़ाने के बहाने हम लोग सब यहाँ से निकल सकते। मैं कोई ऑफिसर नहीं हूँ, वो पॉकेट मेरी नहीं है, वो पर्स मेरा नहीं है, नहीं मालूम मेरे जेब में कहां से आ गया। उस्ताद,
वो पर्स मैं ऑफिसर के पास से चुरा के उसके फोटो पे स्क्रैच कर दिया था उस साथ। उसके बाद आपकी पॉकेट में डाल लिया था उस तो ये सब तेरे तरफ से क्या हो रहा है साहब? कुछ नहीं साहब, थोड़ा सा मजाक कर ले रहे। अरे ये सब छोड़, यहाँ से भागने का सोच। तो इंसान है रे साले। चलो ए, बहुत हो गई मीटिंग, चलो बाकी की मीटिंग ऊपर करना। मैंने क्या किया था, मुझे क्यों फंसाया गया? वैसे अपने अकेलेपन को देख के मैं तुम्हारा नाम ले लिया था ताकि मेरे मरने से पहले एक हसीन हम सफर का साथ हो जाए। वो इडियट नॉनसेंस। अरे ये घोड़ी को सही लगाम देना पड़ेगा। जॉन साहब, इन ऑफिसर्स का क्या करना है? मैंने स्क्रिप्ट भेजा है। पता नहीं, अब तक तो सारी दुनिया आपकी स्क्रिप्ट पर ही काम कर रही है। और लोखा, और एक मूवी बनाओ। जी मैंने तुम्हें स्क्रिप्ट मेल कर दिया है। अब एक काम कर दीजिए, कुछ अमाउंट भी भेज दीजिए। अमाउंट तो मिल जाएगा, उन लोग को थोड़ा टाइट करो। जी जॉन साहब, अब तक तो हमने उन्हें बहुत डील दे चुके। जॉन साहब ने हमें स्क्रिप्ट भेजी है, उसका ट्रांसलेशन करके उनकी एक और आखिरी फिल्म बना देते हैं, ठीक है? जी भाई। चलो। चार दिन से सिवाय मुरमुरों के कोई तंदूरी चिकन नहीं आ रहा। तुम इतने बड़े हीरो है यारो, अब तक तुम्हारे को हुकूमत छुड़ा लेना था, साथ में हम लोग भी छुड़ जाते थे, काहे के मेरे बैगन के हीरो। बेफिक्र रहो, इन आतंकवादियों से भी छुड़ा के लेके जाऊंगा और तुम्हारे घर से भी उड़ा के लेके जाऊंगा। पूरे चार दिन हो गए, तुम्हारे मुल्क ने तुम्हारी रिहाई का कोई इंतजाम नहीं किया। मुझे तो लगता है तुम्हारी जिंदगी की उन्हें कोई परवाह नहीं। एक हमारा जज्बा देखो, हम अपने चार साथियों को छुड़ाने के लिए अपने रात दिन का चैन खो बैठे हैं। चोर उच्चकों की कौन से मुल्क में इज्जत रहती बड़े भाई? अबे तू चुप बैठ, तेरी हकीकत तेरी मीडिया और तेरे मुल्क से हमें पता चल गई। तू अपने आप को चोर बोलना बंद कर। सर ये चोर है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर नंबर वन का झूठा है ये। अगर इसे मारने का प्लान है तो बताइए, पहले मैं इसे गोली मार दूंगा। वफादारी की क्या ट्रेनिंग हासिल की है तुम लोगों ने, बहुत खूब। मैं तो समझता था कि इंडियन ऑफिसर करप्ट होते हैं। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, इन सब के साथ जो करना है कर लीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मेरे को भी छोड़ दीजिए। बोलो ना जी। स्क्रिप्ट रेडी है, बोले तो छोड़। इनकी एक और आखिरी फिल्म बनाते हैं। सर आखिरी फिल्म? मेरा तो अभी कह रहे शुरुआत सर। हे डायलॉग याद करा दो इन्हें। हे हीरो, ले हीरो पकड़िए स्क्रिप्ट, डायलॉग याद कर ले और इन सबको भी बता दे, थोड़ी देर बाद तुझे ये डायलॉग हमारे पैर पे गिर के बोलना है। मैं एक स्टार हूँ, स्टार सिर्फ आसमान पे ही चमकता है, किसी के कदमों में नहीं। अबे जल्दी से याद कर ले, चल। डायलॉग याद हो गए तुम लोग? हाँ, याद हो गए। एक्टिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, तू ऑफिसर का रोल कर रहा ना, डायलॉग में वजन ला वजन। देख अब कैसा वजन लाता हूं। देखो ऑफिसर्स, हमारी हुकूमत हमें कब छुड़ाती ये नहीं मालूम, मगर मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर होने के नाते तुम सबको ये ऑर्डर देता हूं कि हुकूमत के मदद के इंतजार में मरने से अच्छा है कि हम इन आतंकवादियों के खत्मों में सर रखकर जिंदगी मांग ले। सही बोल रहे हैं सर। मेरे को छोड़ दो, मेरे मरने से ज्यादा मेरे जिंदा रहने में आपका फायदा है। मैं आपको इंटेलिजेंस के ऐसे ऐसे सीक्रेट्स बता सकता हूँ जो आपको नहीं मालूम। छोड़ दो मेरे भाई। ये लोग कीड़े मकोड़े जैसे हैं, इनका जीना मरना एक है। सर मैं अगर जिंदा रहा तो आप लोगों पे एक अच्छी पिक्चर बनाऊंगा, सारी दुनिया को बता दूंगा कि आप लोग टेररिस्ट नहीं, फ्रीडम फाइटर हैं, आप लोग महान हैं, अजीमो शान हैं।
छोड़ दो मेरे भाई, मैं तुम्हारे पैरा पड़ता हूँ, मैं यहाँ से भाग दूंगा मगर कभी इंडिया नहीं दूंगा भाई। सर प्लीज एक मिनट इधर आइए ना, आपसे बात करनी है। ये लोग जिएंगे भी तो आपके किस काम आएंगे, मैं आपके बहुत काम आ सकती हूँ, मुझे अपने पास रख लीजिए, जिंदगी भर खुश रखूंगी। इंसान अपनी जिंदगी जीने के लिए क्या कुछ नहीं करता, अगर ये भी कर रहे तो गलत नहीं, पर हमारे रेमो करम से वापस यहाँ से जिंदा वो ही जाएगा जिसे हम चाहेंगे, और ये आपकी गवर्नमेंट के हाथ में है, समझे? बुजदिल कहीं का, दुश्मन की दो गालियां दो झापड़ खाकर उनके कदमों में रेंगने लगा, ऐसे देश के गद्दार को तो चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। वाह वाह वाह, कल तक तो उस पे बहुत फखर कर रहे थे और आज उसको गोली मारने की बात कर रहे हैं। चुप बैठ, तेरी वजह से मैं अपने रिटायरमेंट की दो पल की खुशी भी हासिल नहीं कर सका, तू और तेरा वो नामुराद आशिक वबाले जान बन चुके हैं मेरे लिए, वबाले जान, नींदे उड़ा रखी है मेरी नींदे। अम्मी भैया आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो, भैया आ जाएंगे, मेरे को वापस दे दे अल्लाह। अब तो पंचायत उनकी पैरों पर गिर के भी माफी मांग लिया ना, अब तो छोड़ देंगे ना मेरे बच्चे को। अजी डाकुआ माफ करे तो क्या होता, महल्ले वाले बोल रहे देश की जनता उसको माफ करना कहते। या अल्लाह सारी दुनिया मेरे बच्चे की दुश्मन हो गई। चलो जी पटेल बाबा के पास तो भी जाएंगे, वो ही कोई रास्ता दिखाएंगे मेरे बच्चे को बचाने। अरे खामोश बैठो जी, वो चोर पापी के पास जाने से बेहतर है हम घर में बैठ के अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह ही अपने वास्ते कोई ना कोई रास्ता निकाले। मेरे बच्चे को ला दो मेरे पास, मेरे मौला मेरे बच्चे को, सिवाय अल्लाह के कौन है हमारा। अरे बच्चा, सर वो टेररिस्ट, इनको असली पुलिस वाले समझ रहे, अब क्या करें? अच्छी खबर है, फाइल्स की डिटेल्स मिल गई है, अमजद और संतोष दोनों एक नंबर के छटे हुए बदमाश। ये तो अच्छा है कि इन लोगों का पावरफुल बैकग्राउंड नहीं है, वरना इनके रिश्तेदार इनके भाई बंधुओं को सफाई देते देते हम लोग थक गए होते थे। मीडिया तो अभी से उंगलियां उठाना शुरू कर दी कि हम अपने काबिल ऑफिसर्स को आतंकवादियों के चुंगल से नहीं छुड़ा पा रहे। हम लोग एक काम करते हैं, अपनी ओन टीम तैयार करते हैं और टेररिस्ट पे अटैक करते हैं। ओके ओके सर, मूव। यहाँ से कौन कौन भागने को तैयार है? ये फालतू आइडिया दे दे के वक्त से पहले मरवाएगा क्या? देख भाई, यहाँ से अगर भागे तो 95% मरेंगे और 5% बचेंगे, और यहाँ पे अगर रुके तो 100% मरेंगे, तो 5% का चांस लेने को तैयार है? तुम्हारा क्या है उस्ताद, ये सारे टेररिस्ट तुम्हारे जात बिरादरी के है, तुमको तो छोड़ देंगे मगर हम सबको एक एक करके गोली मार देंगे, ये तुम्हारे भाई है। हाँ, क्या? सही बात है, मेरे भाई। मैं चोर हूं मगर देशद्रोही नहीं हूं, बात अगर पर्सनली मेरे तक होती तो मैं तेरी बात को मजाक समझता था, मगर यह बात मेरे लोगों की है। हिंदुस्तान का मुसलमान जालिम नहीं होता, हिंदुस्तान का मुसलमान तो वफादार मददगार और ईमानदार होता। हिंदुस्तान का मुसलमान किसी औरत को बेवा किसी बच्चे को यतीम नहीं करता, हिंदुस्तान का मुसलमान कभी किसी का घर नहीं उजाड़ता। अरे हिंदुस्तानी मुसलमान तो वो है कि जब भी देश पे मुसीबत आती तो सबसे पहले अपनी जान हथेली पे लेके बाहर निकलता। हिंदुस्तानी मुसलमान को बचपन से यही सीख सिखाई जाती, हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान। बस में मैं तुम लोग के झगड़े देख देख के मैं बस बस हो गया था, लेकिन आज तेरी बात सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ, भले ही हम अलग अलग हो लेकिन टेररिज्म को खत्म करने के लिए हम सब एक हैं। तुम लोग अगर मेरा साथ दिए तो अपन कुछ भी प्लान बना के लोगों का खात्मा कर सकते। आए तुम सामने रहो, हम लोग सब पीछे रहते।
चलो जी। अरे चंगेज भाई, क्या डरपोक बच्चा पैदा करे जी। अरे डर के मारे आतंकवादियों के पैरों पे गिर के रो रहा था तुम्हारा बच्चा। चुप बैठो यार, दीवाने बताना को फिर क्या है। तुम्हारा बच्चा रहता तो मालूम होता था डर क्या चीज है। दीवाने अरे छोड़ जी तुम, क्या बात कर रहे चंगेज भाई। हाँ मेरा बच्चा होता था ना, सबको मार कर आता था। अरे छोड़ जी छोड़ो, क्या बेवकूफ बच्चा पैदा कर दिए, आके हमारे पर बड़ी हिमाकता कर रहे हो। शेखिया पकड़ना। साथ थू थू हो गई, इन लोगों से तो बज्जन हो गए। डर के मरने से तो अच्छा है लड़के मरेंगे। उस्ताद ये लोग मेरे को सिर्फ पर्दे का हीरो समझ रहे हैं, अब मेरे को रियल हीरो बनना पड़ेगा, चाहे इसमें मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। अब तुम्हारे सिस्टम का इम्तिहान है, अब देखना ये कि तुम्हारा सिस्टम तुम्हारे जैसे कचरों को गुलदस्ते में सजाता है या डस्टबिन में फेंक देता है। जाओ देखो, चलो जल्दी जाओ। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सीता हमारा। ये वो तो क्या तुम लोग का नाटक, बंद करो ये नाटक। मार मार, अरे हट, मेरे को मार, हट मार अब जान। We'll be right back.
उस्ताद। 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 क्या हो गया उस्ताद? उस्ताद तुम्हारे को क्या हो गया उस्ताद? अरे नहीं उस्ताद। कुछ नहीं होगा उस्ताद। बेफिक्र रहो। देख रहे हैं दूर दूर से, दूरदर्शन का जमाना खत्म हो गया, स्क्रीन टच का जमाना है। टच करूं क्या? आज मैं आपको टच करती हूं। जान बची, लाखों पाए मेरे दोस्त, थोड़ा थोड़ा सबर कर ले। आगे देखो अमजद, देखो तुम जो बच गया है ना, मेरी किस्मत से, वरना तुम्हारा बच गया ना नामुमकिन था। सही बोले तुम, अभी तुम्हारे को मेरे को मिलके आधा डजन बच्चों के अम्मा बाबा जो बनना है। और वो बच्चे मेरे को चाचा चाचा बोलेंगे, इसलिए तो बोल रहा हूँ ट्रेन निकले वैसा उम्र निकल जा रही, जल्दी शादी कर लो तुम लोग।